है। और वो सामने जुगाड़ पत्थर रखे हुए हैं विकेट की जगह पे। शाबाश 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 शाबाश, अटैकिंग करो अटैकिंग क्रिकेट, शाबाश। वेलकम टू अल्फा मेडिसिन ब्लॉग्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फैंटेस्टिक। तो अभी हुई है हमारी मॉर्निंग और आज का प्लान कुछ ऐसा है कि जैसा मैंने डाला था, वोटिंग हुई थी और उसमें मैंने बोला था कि क्रिकेट का ब्लॉग जरूर आएगा, तो आज मैं जा रहा हूँ खेलने। वैसे बेसिकली देखने मिलेगा क्योंकि आज पहला दिन है, तो मे बी आने वाले टाइम में खेलने में मिल सकता है। तो अगर नेट्स खुले होंगे तो प्रैक्टिस वगैरह के लिए आपको मैं क्लिप्स वगैरह डाल दूंगा, वरना मैच तो हो ही रहा है T20, तो उसका व्लॉग। ऐसे फिलीपींस में क्रिकेट कॉमन नहीं है, लेकिन कुछ इंडियंस यहाँ पे खेलते हैं और डिवीज़न लेवल और ये जो क्लब्स के लिए जो क्रिकेट खेलते हैं। तो बस आज आपको यही दिखाऊंगा कि यहाँ पे क्रिकेट किस तरह होता है और किस तरह देखा जाता है, किस तरह खेला जाता है। और अभी उठे थोड़ी देर बाद, मैं अभी जल्दी से फ्रेशन अप हो जाता हूँ और फिर चलते सीधा बल्ला गेंद और विकेट, और देखते हैं आज मौसम कुछ आपने देखा कि किस अच्छा है थोड़ा बहुत, बस बारिश ना आ जाए। यहाँ पे बारिश बहुत जल्दी आती है, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया की तरह ही है, फिलीपींस भी, यानी कभी भी बारिश आ सकती है। अगर यहाँ पे अभी धूप है तो 5 मिनट बाद बारिश भी आ जाएगी, यानी कोई कुछ वो संभावना कहते हैं ना, वो बहुत यानी लिमिटेड है। चलिए चलते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं ग्राउंड के अंदर लोकेशन पे, क्लब यूनाइटेड, और जिस तरह आप देख सकते हैं ये मशीन है जिसे पानी वगैरह निकलता और पिच वगैरह के लिए सिस्टम। और ये है ग्राउंड जहाँ पे अपन देख सकते हैं कि अच्छी खासी घास है, और ये वैसे एक फुटबॉल ग्राउंड टाइप है, लेकिन इसको इन्होंने शेप दे के प्रॉपर क्रिकेट ग्राउंड बना रखा है। तो ये है ग्राउंड हमारा, और यहाँ पर आज वगैरह खेलेंगे ये लोग, मेरा तो फर्स्ट टाइम है। तो इस तरीके से कुछ लोकेशन है, अभी यहाँ के आपको अंदर की तरफ बताते हैं। तो इस तरीके कुछ एंट्रेंस है, प्लेयर्स एंट्रेंस एग्जिट यहाँ से, तो सही है। मतलब नाइट मैच वगैरह भी हो ही सकते हैं, मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है। घास भी यानी काफ़ी अच्छी है और अच्छा खासा ग्राउंड है, बड़ा भी है काफ़ी, यानी वीडियो में तो समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन काफ़ी बड़ा ग्राउंड है देखने में तो। और सामने वो रहा स्कोर बोर्ड वगैरह, तो आज मैं शायद वहीं बैठूंगा, देखते हैं अब कोई भी है तो। और थोड़ा अगर परमिशन मिली तो पीच वगैरह आपको दिखाऊंगा कैसी होती है क्या है। और ये है प्रैक्टिस नेट्स, तो अगर अगर खुला होगा तो देखते हैं, प्रैक्टिस वगैरह करेंगे थोड़ी बहुत और बॉलिंग वगैरह डाली जाएगी। ये स्टम्प्स वगैरह जैसा कि क्रिकेट में अपन देखते ही है। और वो सामने जुगाड़ पत्थर रखे हुए हैं विकेट की जगह पर जहाँ से बॉलिंग वगैरह डाली जाती है। आज अभी लेकिन अभी भी है बारिश आ जाएगी क्या। तो अभी काफ़ी मज़ा आ रहा है, 10 ओवर 74 और लगभग 4-5 विकेट हो चुकी है, और मैं तो खेल नहीं रहा, प्लेइंग 11 में नहीं हूँ, क्योंकि इसके लिए कुछ वो क्या कहते हैं मेंबरशिप वगैरह ये कुछ लगती है, वो पूछना पड़ेगा। लेकिन प्रैक्टिस के दौरान आपने देखा कि मैंने बॉल वगैरह डाली, तो हाँ ठीक ठाक पड़ रही थी, मतलब बहुत दिनों बाद डाली फिर भी। और ये इस बॉल से मेरा पहली बार है और काफ़ी लंबे लंबे हिट है, ओ भाई ओ भाई, यानी आउट ऑफ ग्राउंड मार दिए अभी बॉल, और शायद अगर मैं ले पाता है इसको तो कैप्चर
अभी मैं आगे आपको थोड़ा बहुत शूट वगैरह दे देता हूँ, ठीक है? शाबाश 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 शाबाश, अटैकिंग करो अटैकिंग क्रिकेट, शाबाश। अभी कुछ मामला ऐसा है कि सेकंड इनिंग चालू हो गई है, 150 का टारगेट है और हमारा काम है स्कोर शीट भरना। स्कोर शीट भर रहा हूँ, मैनुअल वाले जो ऐप था उसमें कुछ गड़बड़ हो रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ मैनुअल, अरे ऑटो वाले जो ऐप था ना ऑनलाइन होता है उसमें तो दिक्कत हो रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि स्कोर शीट इससे भर लेते हैं मैनुअल वाले से। अभी सही चल रहा है मैच, 3 विकेट तो गिर चुकी है अभी तक और अच्छा खेल रहे हैं लौंडे। अब देखते हैं अगला क्या होगा। और ये उठा के मार दिया चौका। तो इस तरीके से हम यहाँ से अंपायर को इशारा करूँगा, 2 बॉल बाकी है और स्कोर वगैरह, और सही हो रहा मतलब कुल मिला के बात तो ये है। और ये पटक के दी है छक्का। तो अभी बात ऐसी है, हमारे लौंडे खेल के आ चुके हैं और बुरी तरह से हारे भी है। 13 ओवर में इनका जो टारगेट था वो सेट कर दिया सामने वालों ने, लेकिन होता है कभी, हार जीत तो चलती रहती है, ठीक है? आज बिल्कुल फ्लॉप था मैं। और आज क्या हुआ कि मजे वाली बात तो ये कि मैं तो स्कोर कार्ड भर रहा था पहली इनिंग्स में, दूसरी इनिंग्स में किसी टीम के प्लेयर कम हो गए, तो अब मुझे खेलने का मौका मिल गया है और अब मैं खेलूंगा जाके। और क्या नाम है इस टीम का? नोमेड्स करके कुछ टीम का, क्लब का नाम है। तो देखो अब जाते हैं, अभी तो हमारी फिलहाल बैटिंग है, तो पूछ लिया सब कुछ कि कहाँ से हो क्या है, देखते हैं कैसा सेट होता है मामला, हिसाब से फिर क्या जाएगा, सब कुछ पूछ लिया है कि ऑलराउंडर हो या फिर क्या करते हो वगैरह वगैरह, तो बताते फिर आगे जाके, ठीक है? आपको तब तक के लिए एंजॉय करो। हियर इज एंड ऑफ द वीडियो, आई होप कि आपको ये ब्लॉग थोड़ा बहुत मैंने जो शूट किया वो पसंद आया होगा। और ये एक डिवीजन वगैरह का मैच था और उसके बाद में जैसे डिवीजन टू डिवीजन खेलते हैं उसके बाद में आपको चांस मिलता है आगे जाने का, मुझे कोई चांस ना तो चाहिए नहीं, मतलब मैं सिर्फ गया था फन के लिए। और इन्होंने फिर बोला कि आप अब से हमारी टीम में हो, तो एक काम करना है कि अब नेक्स्ट जो भी हर वीकेंड मैच होते हैं जो क्लब के, तो उसमें जाके खेलना पड़ेगा और इस तरह बोला है, तो अब देखते हैं टाइम मिलेगा तो जाएंगे, वरना फिर वही है अपना तो फन वाला सिस्टम तो है ही, यानी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, जो प्राइमरी गोल है उसको करेंगे। और ब्लॉग अच्छा लगा तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल जो घंटा है उसको दबा देना। और क्या था कि ये जो अपनी रूम टूर वाली जो वीडियो बहुत जल्दी आएगी और मैं सोच रहा हूँ कि कल इसको शूट कर लूँ रूम टूर वाला। आपको एक डिटेल बता देता हूँ कि नॉर्मल जो एक्सपेंसेस है उसमें आप क्या क्या किस तरीके से रह सकते हैं, तो बस उसके बारे में बनाने वाला हूँ वीडियो। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट।